ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमतवर मुलुख महाराष्ट्र। अफगाणिस्तानच्या जमिनीवर तिथं आता तालिबान यांची सत्ता आल्याच्या नंतर त्याचे पडसाद जगभर उमटत आहेत आणि स्वाभाविकपणे भारतीयांच्या मनात अस्वस्थता आहे। भारताची भूमिका काय आणि याच सगळ्या संदर्भात आज एक महत्त्वाची बैठक दिल्लीत पार पडते। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडते। या बैठकीला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभालसुद्धा उपस्थित आहेत, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहासुद्धा उपस्थित आहेत आणि याच बैठकीत कदाचित भारताची भूमिका अधिकृतरित्या स्पष्ट होऊ शकते। या सगळ्याबद्दल अधिक तपशीलवार माहिती देण्यासाठी आता आपल्या सोबत आहेत सीएनएन न्यूज 18चे कार्यकारी संपादक आनंद सर। स्वागत आहे आपका इस चर्चा में। एक अजीब सी उलझन है आज भारत के सामने, इस उलझन को कैसे सुलझाएगा भारत और ऑप्शंस क्या है भारत के सामने? देखिए, उलझन कोई नहीं है, सीधी सी बात है कि देखिए, अगर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है तो कल जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आ गया गया था कि जितने अफगानिस्तान के आस पड़ोस के देश हैं वो सब अपने दरवाजे खोलें। हाँ। तो पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ईरान और ईरान के उस तरफ तुर्की, ये हाँ। सब अपने दरवाजे खोलें। 57 देश हैं OIC के, इस्लामिक देश हैं, वो सब अपने दरवाजे खोलें और इनको जगह दें। हाँ। क्योंकि ये तालिबान से बात करने के लिए और तालिबान के लिए मीटिंग के लिए जगह देने को तैयार है कतर, तो फिर शरणार्थियों को जगह देने के लिए क्या तैयार क्यों नहीं? 57 मुल्क हैं इस्लामिक जो OIC के हैं, उन्होंने अभी तक क्या स्टेटमेंट दिया है? और अगर अगर पाकिस्तान को लगता है, इमरान खान को लगता है कि एक दिमागी गुलामी से आजादी पाली है अफगानिस्तान ने, फिर अफगानिस्तानियों का इस्तकबाल करें, उनके लिए दरवाजे खोलें। लेकिन टर्की तो वहां बॉर्डर पे अपने अपने बॉर्डर को सील कर रहा है। ईरान ने कहा है कि शिया को छोड़ के और किसी को वो आने नहीं देगा। तो ये सारे देश जो है अपने आप अपने अपने फैसले खुद कर रहे हैं और अपने पॉलिटिकली कन्वीनियंट, अपने लिए जो कन्वीनियंट है वो देख रहे हैं। तो जब इस्लामिक मुल्क वो कर रहे हैं तो भारत भी वही करेगा जो भारत के लिए सुरक्षित है, भारत के लिए ठीक है। हाँ। जो लोग वीजा अप्लाई करके आना चाहते हैं ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर, उनको ये वीजा दिया जाएगा। जिन लोगों को पहले ही कह दिया गया था कि देखिए आप यहाँ से जाइए, आप निकल जाइए, आप वहां सिचुएशन ठीक नहीं है, वो अभी तक निकले नहीं है, तो उनको देखने की जरूरत है। उधर तालिबान भी ये कह रहा है कि आप अपना देश छोड़ के मत जाइए, हम आपके साथ काम करने को तैयार, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो है ना सिचुएशन वहां तालिबान अफगानिस्तान में नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। उन्होंने सिर्फ एक लड़ाई जीती है, युद्ध जो है वो अब शुरू होगा। युद्ध अभी शुरू होगा, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कल तक जो अफगानिस्तान भारत का दोस्त राष्ट्र था, अब वहां पे तालिबान आने से रिश्तों में बड़ा बदलाव आया है। भारत क्या तालिबान के साथ बात करेगा, क्या रणनीति रहेगी भारत की? अगर रिश्तों में बदलाव आया होता तो जितने भारतीय हैं वो सुरक्षित वहां से निकल के कैसे आते? ये जो इवैक्यूएशन हुआ है C-17 ग्लोब मास्टर से, एम्बेसी के ऑफिशियल्स, एक भी भारतीय को वहां छुआ नहीं गया। हाँ, कल रात को एयरपोर्ट को खाली कर दिया गया था, वहां कुछ भारतीयों के साथ हाथापाई हुई थी, उनको डरा के बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन आज जब एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ है तो जितने इंडियन ऑफिशियल्स हैं वहां पर भारतीय दूतावास के, वो सब तो वापस आ गए हैं। अब वहां तजिकिस्तान में एक और C-17 ग्लोब मास्टर वेट कर रहा है कि जो बाकी इंडियंस हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उनको धीरे धीरे वापस लाया जाए। और आज कल परसों के अंदर जितने भी वहां हिंदुस्तानी हैं उनको तो बाहर निकालने की कोशिश जो है वो जद्दोजहद में भारतीय सरकार लगी हुई है। और अगर तालिबान से बात नहीं होती और तालिबान से रिश्ते खट्टे हो गए होते तो फिर ये शायद होता ही नहीं। उधर तालिबान के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। हाँ। क्योंकि US, चीन, रशिया सब भले ही उसको उनको मान्यता देने को तैयार हो, लेकिन उन पर बहुत प्रेशर है कि किसी भी फॉरेन नेशनल के साथ किसी भी तरह का दुष्कर्म या बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए और सबको आजाद आराम से वापस आने की छूट देनी चाहिए। तो ये जो काम है इसमें थोड़ा समय लगेगा, 2-3 दिन, शायद 1 हफ्ता भर लग जाए, लेकिन सभी भारतीय नागरिक जो वहां के हैं उनको वहां से जरूर निकाला जाएगा। बिल्कुल, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी तो युद्ध शुरू हो चुका है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने न्यूज 18 लोकमत से बात की। तर तेव्हा अफगाणिस्तानच्या भूमीवर सध्या जे सत्ता नाट्य सुरू आहे आणि तालिबाननं तिथं सत्ता काबीज केल्याच्या नंतर भविष्यामध्ये या सगळ्याचे परिणाम नेमके काय जगावर होतील हे पाहण्यासाठी थोडा कालावधी जावा लागेल, पण तुर्तास या बुलेटिनमध्ये आपण इथेच थांबतोय। ताज्या घडामोडींसाठी बघत रहा न्यूज 18 लोकमत।